चोरी चोरी बकरी का दूध पी लेता हूँ, किसी को क्या पता चलेगा। ओ मुंशी, चोरी चोरी बकरी का दूध पी रहा है, तुम्हें सरदार साहब याद कर रहे हैं। ठीक है जाओ तुम। सरदार साहब, मुंशी आ गया। एक घंटे का पैगाम दिया था कि मुंशी को बुला, तू अब आ रहा है। सरदार साहब, जैसे ही आपका हुक्म मुझ तक पहुंचा मैं दौड़ा चला आया। तुम्हारे डेरे पे ऊपर जितने भी लड़के काम कर रहे हैं ये सारे सर पे चढ़े हुए हैं। मुंशी, तुम किस बात की तनख्वाह लेते हो? मैं तुम्हें पूरी ताकत देता हूँ, इन सबको खींच के रखो, खास तौर पे इस मुंशी को। सरदार साहब, आप टेंशन ना ले, अब देखो मैं क्या करता हूँ। हाँ हाँ ठीक कह रहा है तू, चल मैं बाद में बात करता हूँ तुझसे। सरदार साहब ने कहा था इन पे सख्ती करनी है। क्या हो गया मुंशी साहब? तुम्हारी टोपी किधर है? टोपी पहना करो सर पे, जाओ टोपी पहनो। टोपी किधर है तुम्हारी? सर पे टोपी पहना कर। मुंशी साहब, मेरा क्या कसूर है? सरदार साहब का ऑर्डर है, इनको सीधा करना है। सरदार साहब, जब से आपने मुंशी को पावर दी है वो हमें खाम खाम मारता है, सुबह शाम मारता है। हमारी कोई गलती नहीं होती फिर भी हमें बिला वजह मारता रहता है। अच्छा तू जा, मैं मुंशी को समझाता हूँ। संतरे मुंशी को बुला के ला। ठीक है सरदार साहब। पैसों की कोई बात नहीं है, पैसा बहुत है अपने पास। हाँ हाँ, 10-15 लाख दे दूंगा मैं तुझे। तू ऐसा कर, मेरे नंबर पे 50 का बैलेंस भेज दे। मुंशी साहब, सरदार साहब आपको बुला रहा है। ठीक है जाओ तुम। जी सरदार साहब, आपने मुझे याद किया। मुंशी साहब, मजदूर ने आपकी शिकायत की है, वो कहते हैं कि मुंशी हमें बिला वजह मारता है। तुम बिला वजह ना मारा करो, मारने का बहाना होता है, तुम बहाने से मारा करो। सरदार साहब, ये लातों के बुत बातों से नहीं मानते, मारना तो जरूरी है लेकिन क्या बहाना बनाऊं? आप मुझे बताओ। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम उसे पकोड़े लेने के लिए भेजो, जाओ पकोड़े लेकर आओ और पकोड़ों के साथ दही वाली चटनी भी लेके आओ। तुम कहना पुदीने वाले क्यों नहीं लेके आए, तुम इस बात को उसे मारना। अगर पुदीने वाली चटनी लेकर आया तो तूने कहना कि दही वाली चटनी क्यों नहीं लेके आया, इस बात पे तूने उसे मारना है। इस तरह तुम बहाने से उसे मारा करो। ठीक है सरदार साहब, अब देखो मैं अब क्या करता हूँ, आप टेंशन ना लो। अच्छा, मुझे मारने का प्लान बना रहे हैं। टोपी किधर है तुम्हारी? आप तो मुंशी मेरे पीछे ही पड़ गए हो। बाल बढ़ाते हो। ये पकोड़ो 50 रुपए और पकोड़े लेके आओ, जाओ आ जाएगा मजा। मुंशी अगर शेर है तो मैं 1.25 शेर हूँ। मैं पुदीने वाली चटनी भी ले आया हूँ और दही वाली भी। अब उसके पास कोई बहाना नहीं, देखता हूँ कैसे मारेगा। एक बार इसे वापस आने दो, अब तो बहाना भी है, जम जम के पिटाई करूंगा इसकी। मुंशी साहब, ये लो आपके पकोड़े। चटनी भी लाए हो? जी चटनी भी लाया हूँ। ये तो दही वाली चटनी है, पुदीने वाली चटनी क्यों नहीं लाए? रुको, ये लो आपके पुदीने वाली चटनी। पकोड़े छोड़ो, तुमने टोपी क्यों नहीं पहनी?